चित्रकूट में श्याम कृपा डेयरी में गौ संरक्षण का दिख रहा अद्भुत नमूना। चित्रकूट 26 फरवरी। जहां एक ओर पूरे प्रदेश में गाय मारी मारी फिर रही हैं, सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी गायों का संरक्षण भरपूर नहीं हो पा रहा है, वहीं धार्मिक नगरी चित्रकूट में श्याम कृपा कामधेनु डेयरी में गौ संरक्षण व ऑर्गेनिक खेती का अद्भुत नमूना देखने को मिल रहा है। मौजूदा समय यहां पर 100 से अधिक गायें डेयरी में मौजूद हैं। उनके रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी गौ सेवक एवं प्रगतिशील किसान योगेश जैन के कंधों पर है। सुबह से लेकर शाम तक गौ सेवा में तत्पर रहने वाले योगेश जैन खुद अपने सहयोगियों के साथ गौ सेवा के कार्यों में हाथ बताते हैं। शुक्रवार को जब हमारे संवाददाता ने अचानक श्याम डेयरी जाकर विजिट किया, वहां देखा कि योगेश जैन खुद गायों के लिए हरा चारा मशीन से काटने का काम कर रहे थे और उनके सहयोगी जवाहर यादव, ठेकेदार सत्यनारायण रामस्वरूप आदि भी अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहे। वहीं थोड़ी देर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केपी यादव के निर्देशानुसार फूल सिंह यादव एक गाय का इलाज करने पहुंचे। वह गाय बीती रात एक बछड़े को जन्म दिया था, उसका विधिवत इलाज किया गया। गायों के चारा भूसा की व्यवस्था है, पीने के पानी के लिए बोरिंग टुल्लू पंप आज समस्त व्यवस्था की गई है। मोटर आदि का रखरखाव में पप्पू कुशवाहा का भी योगदान सराहनीय रहता है। योगेश जैन जो प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में अपनी मेहनत के बलबूते पहुंचे हैं, उन्हें भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। उपनिदेशक टीपी शाही ने बताया कि योगेश जैन जो दूध डेयरी का संचालन के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती यानी रासायनिक खादों से इत्र देशी गोबर खाद से खेती का भी मॉडल प्रस्तुत किया गया है। नगर वासियों को शुद्ध पौष्टिक दूध की आपूर्ति तो की ही जा रही है, इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक बेरोजगारों को रोजगार भी मिला हुआ है। इसके अलावा अन्य किसानों बेरोजगारों के लिए यह प्रोजेक्ट प्रेरणा के रूप में भी एक नमूना है। रिपोर्ट शंकर यादव, चित्रकूट।